यूपीपीसीएल में पीएफ घोटाला मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। तो सीबीआई की जांच से पहले डीजी ईओडब्ल्यू से जांच कराने का आदेश दिया है। वहीं करीब आपको बता दें कि 2,631 करोड़ रुपए के पीएफ को डीएचएफएल में जमा करा दिया गया। बिजली कर्मियों के पीएफ को निजी कंपनी में लगाने का ये फैसला लिया गया था। वहीं 2014 में अखिलेश सरकार के दौरान ये फैसला हुआ था। घोटाले के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश पर यहां पर कार्रवाई की गई और तत्कालीन दोनों अधिकारियों प्रवीण गुप्ता और सुधांशु द्विवेदी जेल भेजे गए। शनिवार की शाम दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। घोटाले को लेकर यूपी के ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि डीएचएफएल में कर्मचारियों की भविष्य निधि के निवेश का मामला जो है वो गंभीर है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपीपीसीएल के सभी कार्मिक मेरे परिवार के सदस्य हैं और किसी का कोई अहित न हो सरकार ये सुनिश्चित करेगी। तो डीएचएफएल को लेकर जिस तरह से घोटाले का मामला सामने आया था उस पर योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए गए और उसी पर कल दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। फैसला 2014 में अखिलेश सरकार में हुआ था और इसी घोटाले को लेकर जब खुलासे हुए थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए, कार्रवाई की गई, जिस पर शनिवार की शाम दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन दोनों अधिकारी प्रवीण गुप्ता और सुधांशु द्विवेदी जेल भेजे गए हैं। तो यूपीपीसीएल में पीएफ घोटाले का यह मामला है जिस पर सीएम योगी ने सीबीआई जांच की अब सिफारिश की है। हालांकि इससे पहले ही आदेश दिए गए थे जांच को लेकर। वहीं सीबीआई की जांच से पहले डीजी ओओडब्ल्यू से जांच कराने की बात भी की गई है। तो 2,631 करोड़ रुपए का ये मामला है जिसमें बिजली कर्मियों के पीएफ को निजी कंपनी में लगाने का फैसला लिया गया था और ये फैसला 2014 में अखिलेश सरकार में हुआ था।